नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सनराइज IT एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार Google शीट में Google फॉर्म का जो डेटा है वो सबमिट होने के बाद कैसे फॉर्मूला अप्लाई होता है, जिसे नॉर्मली जिसे मैं यहाँ सबमिट करूँगा, जैसे नेम रोल नंबर जैसे मैं टाइप किया टू, देन सबमिट पर क्लिक किया तो यहाँ गूगल फॉर्म पे टू आ गया यहाँ पे, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है। नॉर्मली जैसे मैं यहाँ फॉर्मूला इसको मैं जैसे रिमूव किया, मैंने जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला टाइप किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया टू से और इसको मैंने ड्रैग कर लिया है। अब जैसे मैं दोबारा मैं स्पेस डेटा सबमिट करूँगा, जैसे पंकज मोहन और रोल नंबर टाइप किया मैंने वन, देन सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ वन टाइप हो गया, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली गायब हो चुका है, यहाँ पे नहीं आ रहा है फॉर्मूला। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आएगा। तो जैसे मैंने इसको रिमूव किया और जैसे मैंने मैं इसको सबसे पहले इसको जो रेस्पॉन्स है इनको डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने इनको डिलीट कर दिया है। अब जैसे मुझे फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे कि रोल नंबर वन से जो वीलो जैसे वीलो पे यहाँ से है कि रोल नंबर वन का मार्क्स ये है, तो ये हमें यहाँ पर लेके आना ऑटोमेटिकली। तो यहाँ मैंने टाइप किया ARRAY एरे फॉर्मूला, देन वी लुकअप देन ये रो सेलेक्ट की, देन कॉमा, देन सीरियल नंबर पे क्लिक किया और यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, देन कॉमा टू कॉमा ज़ीरो, देन कोष्टक क्लोज कर दिया, देन एंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आएगी। अब एरर आने के बाद हमें यहाँ पे जो सेल है यहाँ पे यहाँ से D2 से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे A2 से सेलेक्ट करना है, देन एंटर करना है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो चुका है, बट यहाँ पे इस फॉर्मूले में एरर आ रही है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे इफ़ एरर का फॉर्मूला टाइप करना पड़ेगा, इफ एरर देन कोष्टक क्लोज और यहाँ पे हमने कोमा देन कोष्टक। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल का फॉर्मूला लग चुका है यहाँ पे। और जैसे मैं अब नया रेस्पॉन्स यहाँ पे सबमिट करूँगा, जैसे जैसे मैंने सबमिट किया सोहन मोहन और इसके रोल नंबर में जैसे चार टाइप किए, देन मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे फोर टाइप हुआ और ऑटोमेटिकली ये डेटा ऑटोमेटिकली आ चुका है गूगल फॉर्म में, फॉर्मूला लग चुका है। और जैसे मैं मल्टीप्लाई का यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई के जैसे मुझे इस मार्क्स को टू से मल्टीप्लाई करना है तो एरे एरे फॉर्मूला टाइप करना है, उसके बाद इस वाले रो को सिलेक्ट करना है, देन कोष्टक क्लोज, देन मल्टीप्लाई, देन जैसे टू से मल्टीप्लाई करना टू से मल्टीप्लाई कर दिया, देन कोष्टक क्लोज कर दिया मैंने, और ये कोष्टक क्लोज हुआ तो यहाँ पे एक कोष्टक ओपन करना पड़ेगा, देन एंटर किया तो इसमें एरर आएगी रेफरेंस वाली। तो अब इसके लिए हमें ई के आगे टू सेल टू से रो टू से स्टार्ट है इसलिए टू टाइप करना है, देन एंटर किया तो ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लग चुका है ऑटोमेटिकली, ये सारा मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आ गया। जैसे मैं नया रेस्पॉन्स यहाँ पे एंटर करूँगा, जैसे प्रेजेंट में यहाँ पे तीन रेस्पॉन्स हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप किया मैंने लवीस पंकज रोल नंबर, जैसे मैंने फाइव टाइप किया, देन सबमिट पे क्लिक किया तो सबमिट होने के बाद ये यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे रोल ऑटोमेटिकली आ चुका है, मल्टीप्लाई भी ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो इस एरे फॉर्मूले की हेल्प से आप गूगल फॉर्म के जो सबमिट रेस्पॉन्स है उसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की टेक्निकल वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।